ऊंट में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि वो बड़ी आसानी से रेगिस्तान में सरवाइव कर लेते हैं? क्यों इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए मेनली दो ही चीज चाहिए। सबसे पहला खाना और पानी, जिससे कि शरीर को ऊर्जा मिल सके, और दूसरा लंबे लंबे पैर होने चाहिए ताकि रेत में आसानी से चला जा सके। ऊंट के शरीर में एक स्पेशल वाटर स्टोरेज गैलन होता है, जिसमें वो एक बार में 110 लीटर तक पानी भर लेते हैं, जिससे कि उसके एक महीने का कोटा पूरा हो जाता है। अब वो एक महीने तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। अब चूंकि उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसलिए उसे धूप और गर्मी की वजह से पसीना भी नहीं आता। अब बारी आती है खाना की। तो जब भी वो कुछ खाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा उसके कूबर में फैट के रूप में जमा हो जाता है, और यही फैट उसे महीनों तक बिना खाना के भी ऊर्जा देती रहती है। और अब बात करें अगर पैरों की, तो इसके लंबे लंबे पैर होने की वजह से ये रेगिस्तान के रेत में भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इन्हीं स्पेशल फीचर्स के कारण ऊंट रेगिस्तान में भी बड़ी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, और इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है।